हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ टेस्टी और क्रीमी पास्ता की रेसिपी शेयर करूंगी। पास्ता तो लगभग सबका ही फेवरेट होता है, बच्चों का, बड़ों का, सबका ही फेवरेट होता है। तो आइए हम आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करें। मैंने यहाँ पर पिज्जा सॉस लिया है, 2 कप मैंने यहाँ पर पैनी पास्ता लिया। आप चाहे तो कोई भी पास्ता यूज कर सकते हैं। 2 कलियाँ मैंने यहाँ पर लहसुन के लिए है, 1 प्याज लिया है जो मैंने इस तरह के टुकड़ों में काट लिया है, स्वीट कॉर्न लिया है, मकई के दाने, शिमला मिर्च लिया है, ऑरिगेनो लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर मैदा लिया है, 1 कप मैंने यहाँ पर दूध लिया है और चिली फ्लेक्स लिए हैं। पास्ता बनाने के लिए मैंने एक बर्तन में 1 लीटर के करीबन पानी ले लिया है। अब हम इसे गर्म करेंगे। पास्ता बॉईल करने के लिए मैंने 1 बर्तन में 1 लीटर के करीबन पानी ले लिया है। अब हम इस पानी को गरम करेंगे और इस पानी में थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और हम इसे थोड़ा गरम होने देंगे। पानी गरम हो गया, अब इसमें पास्ता डालेंगे। अभी से करीबन 8 से 9 मिनट बॉईल होने देंगे ताकि पास्ता हमारा अच्छे से पक जाए। इसी में हम स्वीट कॉर्न भी ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास स्वीट कॉर्न नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। हमारा पास्ता अब बॉईल हो चुका है। हमें अब इससे ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, तो अब हम इसे छन्नी में निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पर एक पैन लिया, इसमें मैंने ऑयल डाल लिया। अब हम इसे थोड़ा गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है तो हम इसमें लहसुन डालेंगे। बाद इसमें ऑनियन डालेंगे और कैप्सिकम भी डाल देंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा नमक डालेंगे। थोड़ा सा इसमें ऑरेगानो डालेंगे, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। हमें इन सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना, बस 1 मिनट ही पकाना है। एक मिनट हो गया, अब हम इसे गैस को बंद कर लेंगे। अब हम व्हाइट सॉस बनाएंगे। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली, अब हम इसमें मैदा डालेंगे। गैस को फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। मैं इसे ऐसे ही भून रही हूँ, आप चाहे तो इसे बटर के साथ भी भून सकते हैं। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है,
बस इसका थोड़ा कच्चापन दूर करना है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। ये अब तैयार हो चुका है, तो ये कुछ इस तरीके का होना चाहिए। अब हम इसमें पिज्जा सॉस और पास्ता सॉस डालेंगे। अब इसमें सब्जियां डालेंगे। पास्ता डालेंगे। इसमें थोड़ा ओरिगेनो डालेंगे। चिली फ्लेक्स डालेंगे और नमक डालेंगे। तो ये हमारा यम्मी और क्रीमी पास्ता बनकर रेडी है, तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारा पास्ता बनकर रेडी हो चुका है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।